नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारा देश भारत पिछले कई सालों से तेजी से तरक्की कर रहा है और उसका मुख्य कारण है हमारे देश का शिक्षा का क्षेत्र, जिसके कारण हमारे देश के लड़के और लड़कियां देश में और दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के और पाकिस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में क्या फर्क है और कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान जो है एजुकेशन फील्ड में काफी पीछे है। ये चीज हमने कहीं और नहीं देखी, बांग्लादेश में नहीं देखी, इंडिया में नहीं देखी। इंडिया के भी जो लोग, आम लोग भी जो सोशल मीडिया पर होते हैं और बहुत काबिल मैंने देखे, यानी उनको बात का पता होता है। आपने भी ये नोट किया है और क्योंकि मैं अब खुद भी अपने वीडियो करता हूँ और वो तो होते ही इंटेलेक्चुअल किस्म के वीडियोज है, क्रिटिकल, ये वो, बेतहाशा इंडियन वहाँ पे होते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं। और आप देखें, वो सारे वीडियो मैं अपने फेसबुक पे लगाता हूँ जहाँ पे ये हमारे सारे स्टूडेंट जितने हैं वो होते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी उसमें ना बहस करते सुना है, कभी हो तो हिम्मत करके लाइक कर देते हैं, बट दे नेवर हैव एन ओपिनियन, क्योंकि शुरू से लेके एमफिल तक इनको यही सिखाया गया है कि ग्रेड लेना है तुमने और ग्रेड लेने के लिए तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा, ये याद हो जाए और बस काफी है कि ग्रेड जितना मुझे पता हो, अनक्रिटिकल मेरा जेन हो और पाकिस्तान स्टडीज को मैं अपना ईमान मान लूं तो मुझे तो किसी और की जरूरत नहीं है। आई गेट सो डिसअपॉइंटेड। मेरे वीडियोस हजारों में लोग देखते हैं, वेरी फ्यू पीपल इवन गो एंड लिसन। तो पाकिस्तान एक बैरन है इंटेलेक्चुअली, इट्स अ बैरन टेरिटरी। इंडिविजुअली आपको बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन होता है ना एक पूरे अपना मूवमेंट हो सोचने वाले स्टूडेंट्स की, ये वो, आई एम सॉरी, जीरो। मैं पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है या सिस्टम है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ अमेरिका में हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं बांग्लादेश के मुकाबले में, और हिंदुस्तान से तो बहुत ही हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की मास्टर्स की क्लास में 90 हिंदुस्तानी बच्चे हो, लड़के और लड़कियां दोनों हो। इस वक्त हिंदुस्तान से जितने इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो अमेरिका से भी ज्यादा है। तो अमेरिका से शायद 1 या 2 लाख निकलते हैं, हिंदुस्तान से शायद 10 लाख निकल रहे हैं, और वही वजह है कि जो हिंदुस्तानी ग्रेजुएट्स हैं वो सारी दुनिया में फैल गए हैं। मैं ये बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर म्यूजिक डिपार्टमेंट भी एक है, तो मैं वहां चला गया क्योंकि म्यूजिक इज माय पैशन। वहां पे बच्चों को इकबाल के सारे मिलिटेंट तराने सिखाते हैं, यानी बजाय गजलों के और रोमांटिक और इस किस्म के वो तराने जो के है ना एक जरा वॉरफेयर वाले, वो सिखा रहे होते हैं। है म्यूजिक की क्लास, लेकिन वो जंग जो किस्म के तराने जो हैं उनपे वो ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ऑल दिस इज मैडनेस, इट इज सेल्फ डिफीटिंग मैडनेस। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में बहुत जोर है हायर एजुकेशन। आप देखिए, जो हिंदुस्तान के IITs हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं और कई पुरानी यूनिवर्सिटीज भी काफी फेमस हैं। एक तो गवर्नमेंट का जोर और दूसरा घरों में एजुकेशन पे बहुत जोर है कि हर एक बच्चा, चाहे उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। और एक तीसरी चीज है, वो जरा ज्यादा एसोटेरिक है, उस पर शायद लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एड है। और हिंदुस्तान में आप देखिए, हिंदुस्तान में एक तो फिल्मी गाने और लेकिन क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त है, और जो जो कम्युनिटीज में क्लासिकल म्यूजिक पे स्ट्रेस है उन कम्युनिटीज ने तो बहुत ही जबरदस्त किया है। देखिए, आजकल पूरी दुनिया में जैसे साउथ इंडियंस हैं, सारे जो अमेरिका की हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कंपनीज हैं उनके सीईओ साउथ इंडियंस हैं लगभग सबके सब। और बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो बेस्ट एम्प्लॉयज हैं या वो चीनी हैं या साउथ इंडियंस। नॉर्थ इंडियंस भी अच्छा करते हैं लेकिन साउथ इंडियंस एज ए कम्युनिटी, और उनमें एक ही फर्क है, वो ये है कि कितना जोर म्यूजिक पे दिया जाता है। लेकिन ये बात सचमुच प्रूवन है, साइकोलॉजिस्ट ने, बिहेवियरल साइंटिस्ट ने, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कि यदि म्यूजिक पे जोर दिया जाए बचपन में, स्कूल में, एलिमेंट्री में, मिडिल क्लास में, तो उसका फायदा हो सकता है। क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं और कौन से लड़के लड़की मुझे कहते हैं कि सर हमने आपका ये वीडियो देखा, कैन वी हैव अ डिस्कशन। कभी कभी पाकिस्तानी बच्चे भी आ जाते हैं, बट मोस्टली दे आर इंडियंस, मोस्टली, क्योंकि वो ज्यादा एक आजाद सोच जहन है उनका या कुछ, व्हाटएवर द रीजन,
वो क्यूरियस है, हमारे यहाँ क्यूरोसिटी इज डेड, अंग्रेजी की एक स्टेटमेंट है, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, तो हमारी कैट जो है मर चुकी हुई है बहुत पुरानी। हमने ये भी देखा है कि इंडिया में स्पेशली जो बंगाल का एरिया है या जो बंगालीज हैं वो बहुत बात अब जिसे मैं कहूँ कि इंटेलिजेंट है। मेरे भी एक दोस्त है और अगर मैं उनसे जरा सा भी पूछ लूँ कि ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिटेल्स उन्हें पता होती है कि हमें खुद एज अ पाकिस्तानी मुझे कभी कभी शर्म आती है कि मुझे नहीं आया। और तो क्या कुछ एरियाज हैं कुछ आप समझते हैं कि जहाँ से लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट किस्म के इंडिया में निकले हैं? और बंगाली लोग आगे थे, आजादी की लड़ाई में भी आगे थे, लेकिन अब बंगाल उतना अच्छा नहीं कर रहा है इकोनॉमिक, बंगाल काफी कुछ पिछड़ा हुआ है। और इस वक्त जो स्टेट्स हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा कर रही है तो साउथ इंडिया की है, और अब नॉर्थ में भी उत्तर प्रदेश। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब उन स्टेट्स में जहां इसकी कोई ट्रेडिशन नहीं थी हायर एजुकेशन की, वहां में भी लोग आगे बढ़ने। एजुकेशन का एक दूसरा पहलू है वो ये है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको या सोसाइटी को पढ़ाता नहीं है। जो बंगाल ने आइडियोलॉजी पे बहुत ज्यादा जोर दिया, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे 47 के बाद, तो क्या हुआ जो बंगाल में इंडस्ट्रीज थी वो निकल गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। एजुकेशन के दो पहलू तो है, एक तो आप बुक्स सीखते हैं स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन उससे ज्यादा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग उसको अप्लाई कर सके, क्या इंडस्ट्री में खुशहाली है, और वो चीजें साउथ इंडिया में बहुत बढ़ी हैं और इसीलिए वहां पे इतनी ज्यादा तरक्की हुई है। तो ये इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर सोशल पॉलिसी और एजुकेशनल पॉलिसी, इन सब में मेल होना चाहिए। फ्रांस में कुछ हो जाएगा या किसी और यूरोपियन कंट्री में कोई कुछ कर देगा इस्लाम के बारे में, कुछ बोल देगा, तो ये यहाँ पे मोटरसाइकिल्स लोगों की जला देंगे, दुकानें तोड़ देंगे, एटीएम तोड़ देंगे, ये वाली मैडनेस और किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर फजूल टाइम बहुत है इन चीजों के लिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की खिदमत कोई नहीं की हुई, ना स्कूल इन्होंने बनाए हैं ना कॉलेज बनाए हैं उस तरह जैसे बनाने चाहिए। आपने एक और सवाल जो दूसरा किया कि व्हाई आर मुस्लिम कंट्रीज बैकवर्ड इन एजुकेशन, उसमें भी एक वजह तो यही हो सकती है कि जो यकीन है मुसलमानों का सारा कुछ जो है ना वो कुरान के अंदर है, तो बाहर जाके क्यूरोसिटी इल्म हासिल करने की एनकरेज नहीं की जाती। मैं तो ये समझता हूँ अमेरिका के अंदर घर में छुरी चला के कुर्बानी देना मना है, लेकिन मैं जानता हूँ एक सीनियर साइंटिस्ट पाकिस्तानी जो वॉशिंगटन में गए हुए थे, उन्होंने अपने घर में लेला लगा के, तो वो जो होती है ना बाथरूम का जो होता है यार वो सिंक, वहां पे उसकी कुर्बानी की। कैन यू बिलीव इट, अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डूइंग इट, छुरी फेरी अगेंस्ट द लॉ। तो ये इनका हाल है। अमेरिका में देखिए कोई एक तिहाई या एक चौथाई जो डॉक्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी इनकम होती है वो हिंदुस्तान के हैं। तो अगर हिंदुस्तानी इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा अमीर तबका है वो क्यों है? कंप्यूटर साइंस, मेडिकल डॉक्टर्स, और दूसरा जो एजुकेशन में, सिर्फ वो काफी नहीं है एजुकेशन में, क्योंकि आपके पास एक वेल राउंडेड व्यू भी दुनिया का होना चाहिए, और वेल राउंडेड का ये मतलब है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलगपन नहीं होना चाहिए, सब लोगों को बराबर मानना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं अमेरिका में और दूसरे देशों में, वो सचमुच जो ब्रॉड वेलफेयर है हर एक कम्युनिटी का उसको चाहते हैं एजुकेशन की वजह से। आई डोंट नो व्हाई हमें स्कूल में लोग कहते हैं जिम्नेजियम जिम्नास्टिक्स करें, स्विमिंग सीखें, ड्रॉइंग करें, यू नो ये सारा कुछ सिखाते हैं, जब हम घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमें होजा के पास भेज देते हैं। होजा होता है मौलवी, मौलवी कहता है ये ड्राइंग करनी जो है ये भी हराम है, चेहरा बनाना जो है ये भी हराम है, ये जिम्नास्टिक तो ये बिल्कुल ही हराम है, स्विमिंग यानी कि आप कॉस्ट्यूम पहने ये भी बिल्कुल हराम है। तो वो बच्चों की अब प्रॉब्लम हो जाता है। आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, विच चिल्ड्रन डू द बेस्ट, एक्चुअली द चाइनीज एंड इंडियंस आर ऑलवेज एट द टॉप, एंड देन कम द ब्रिटिश स्ट्रेंजली इनफ, क्योंकि वो भी रिलैक्स्ड हो गए हुए हैं ना, एट द बॉटम कम ऑल द मुस्लिम्स। यही स्वीडन में है, और अमेरिका का मुझे पता नहीं क्योंकि वहां पे पता नहीं इस किस्म के स्टडी हुई है नहीं है, लेकिन फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, ब्रिटिश डेनिश हो गया, वो सारी मैंने पॉलिसीज देखी हुई है बिकॉज आई एम इन्वॉल्वड इन दीज थिंग्स, तो मुस्लिम्स आर ऑलवेज एट द बॉटम। दूसरी सोशल बात ये भी है कि पाकिस्तानी समाज जो है वो बहुत कंसर्वेटिव है, और क्योंकि वो बहुत कंसर्वेटिव है इसलिए शायद जो सब सवाल पूछने चाहिए, सब चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए, वो हो सकता है कि उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है लोगों के घरों में जितना जरूरी है। और जो कम्युनिटीज ये सब कुछ क्वेश्चन करती हैं वो कम्युनिटीज आगे बढ़ गई हैं इंटरनेशनली आप ये देख सकते, क्योंकि जो लोग बहुत ओल्ड फैशन हैं वो शायद ये कहें कि आप ये सवाल नहीं पूछिए तो कुफ्र हुआ, तो वो चीजें बच्चों को पीछे कर सकती है। आप अमेरिका में कहीं भी जाइए, बिल्कुल एस्टोनिशिंग सिचुएशन, और इसलिए
कि हिंदुस्तान ने एजुकेशन पे जोर दिया कई साल पहले। अब हिंदुस्तान में जो ग्रोथ रेट है वो तो इस वक्त चीन से आगे है, तो हिंदुस्तान को तो रोका नहीं जा सकता मेरी समझ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हिंदुस्तान ओपन सोसाइटी है, हिंदुस्तान में भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान को करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।